लाल ईंटों से कई ज्यादा मजबूत सीमेंट ईंट कर्व स्टोन और पीवर ब्लॉक के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें सागर ब्रिक्स इंडस्ट्री बड़गांव भीला रोड खंडवा। जी बताइए आप आज कलेक्टर ऑफिस में जनसुनवाई में क्या समस्या लेके आए? मेरा सर प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आया था, मैं इस कारण आई हूँ यहाँ पे कि साल भर से मेरे को नगर पंचायत घुमाई जा रही है कि आप बस कि आपकी किस्त नक जाएगी फिर किस्त नाखी नहीं रहे और मेरे साथ वाले की किस्त नक गई है। मेरा कलेक्टर पास से भी पास होकर चल गया, बोलता है कि आपकी इंदौर की MI नहीं हुई है। मैं क्यों गरीब महिला हूँ तो मैं इनको पैसे देने में सक्षम नहीं हूँ, इनने मेरा काम ही नहीं करा। कौन सी नगर मुंदी नगर पालिका में? तो आपको इंदिरा आवास मिल चुका है? नहीं मुझे नहीं मिला ना सर, कुछ भी नहीं। तो आप बोल रहे हो मेरा नाम आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, मेरी नगर पंचायत मेरे पैसे नहीं नाख रही है पहली किस्त 1,00,000 रुपये। क्यों नहीं डाल रहे? मेरे को घुमाई जा रहे हैं बस। किस बात को लेकर? ऐसे ही कि आपका अभी वहाँ से MI नहीं हुई इंदौर से, बोली जब आपके करूँगा बिना MI वाले को पैसे आपने उनने नाक दिए, जो मेरे साथ में था ना उसके पैसे नाक दिए, मेरे पैसे नाक रहे। क्यों? और नया घर से इतनी सक्षम भी नहीं हूँ कि मैं मकान बना पाऊँगी, ये बस उनके वालों को दे रहे, गरीब आदमी उनको नहीं दे रहे। बस मेरी ये कार्रवाई है कि मेरे को आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए बस। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया जनसुनवाई में? मैंने कागज़ देके गई हूँ यहाँ पे जनसुनवाई, पहले भी आई थी 15 दिन पहले, कोई जवाब ही नहीं कहा, अभी भी मैंने देखे आई हूँ कागज। तो आप क्या चाहते हैं? अब मेरे को तो ये चाहती हूँ कि मेरे को सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ चाहिए, मुझे किस्त चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका नाम बता दीजिए? मेरा नाम करुणा लाड़ है, मुंदी की रहने वाली हूँ मैं, वार्ड क्रमांक 13 से। आपका नाम कब का सूची में आया है? मेरा तो सूची में साल भर हो गया है और अभी 15 दिन पहले लोगों की पहली किस्त आई, तो मेरे को बोलता कलेक्टर पास से पास होकर आएगा तो आपके पैसे हम नाक देंगे। फिर मेरे को नगर प्रशासन से पता चला कि किस्त लोगों की नखरी में नगर पंचायत गई, तो मेरे को बोलता कि आपका तो लिस्ट में नाम ही नहीं बोली। फिर मैंने लिस्ट हटाई तो लिस्ट में मेरा नाम निकला, मगर वहाँ की इंदौर के MI में मेरा नाम नहीं है। वो तो काका जी बहुत अच्छे हैं वहाँ के अध्यक्ष अच्छे कि उनने मुझे राय दी कि आप जाके वहाँ से वो सबूत ले लो तो सबूत के द्वारा आपका काम हो जाएगा। वो काका जी की तो कोई से कहीं गलती नहीं है, वो तो बहुत अच्छे इंसान है वो वहाँ के। हाँ वो जो सबूत मेरे को मिल गया, मेरे पैसे नहीं नाख रहे ना मेरे, वही तो गलती इनकी, मेरे पैसे नहीं नाख रहे वो लोग। भाई ये विनती है कि मेरे को आवास योजना का जल्द से मुझे पहली किस्त चाहिए मेरी। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात, बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं तो टेंशन किस बात की? अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक पंथाना रोड खंडवा।